44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज से आगाज होने जा रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में मेले का शुभारंभ होगा। मेले का उद्घाटन पीयूष गोयल करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि मेले का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर वी के पॉल भी शिरकत करेंगे। मेले में 14 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना भी जताई गई है। बिजनेस डेज में 500 रूपए प्रति व्यक्ति टिकट का किराया होगा। इसके अलावा प्रति व्यक्ति 80 रूपए और बच्चों का टिकट 40 रूपए रखा गया है। वहीं वीकेंड और छुट्टी के दिन टिकट के मूल्य में इजाफा किया गया है। दरअसल 150 रूपए का टिकट होगा वीकेंड और छुट्टी के दिन। वीकेंड में और छुट्टी के दिन बच्चों के लिए 60 रूपए का किराया रहेगा। जहां बच्चों के लिए नॉर्मल डेज में 40 रूपए का किराया होता है, वहीं वीकेंड और छुट्टी के दिन बच्चों का किराया 60 रूपए होगा। इसके अलावा जहां नॉर्मल डेज पे 80 रूपए प्रति व्यक्ति का किराया होता है, वहीं वीकेंड और छुट्टी के दिन टिकट का मूल्य हर व्यक्ति के लिए 150 रूपए किया गया है। इसके अलावा बिजनेस डेज में हर व्यक्ति का किराया 500 रूपए रखा गया है। रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ी हैं। रिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज से आगाज हो रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम के मेले में इसका शुभारंभ होगा और उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करते हुए नजर आएंगे। 14 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। देखिए प्रगति, इस बार भी हर बार की तरह जो ट्रेड फेयर का मेला है वो इस वक्त भारत मंडपम में जो है वो लगने वाला है और आज से इसका शुभारंभ होगा। हालांकि अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से इसका उद्घाटन होना है। इस बार जो मेला है वो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड्स के लेवल से काफी कुछ जो नया है वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल सकता है। पिछली बार जब ये मेला लगा था तो उस बार हमने देखा था कि गो फॉर लोकल की जो थीम थी वो कहीं ना कहीं पर पूरे ट्रेड फेयर के मेले में नजर आई थी, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं पर जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर दिया गया है और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उन पर ट्रेड फेयर में मात्रा जो है इस वक्त इस बार ज्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ संभावना भी जताई जा रही है कि लगभग 14 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं उनके पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। अगर इस ट्रेड फेयर में जाने की बात करें तो इस बार जो टिकट वितरण है वो लगभग जो व्यासक हैं उनकी जो टिकट वितरण है वो 150 रूपए के करीब रखी गई है और जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो टिकट है वो 60 रूपए के करीब रखी गई है और इसके अलावा जो ज्यादा वरिष्ठ है उनके लिए 40 रूपए जो टिकट है वो इस हिसाब से रखी गई है। हालांकि इस बार जो ट्रेड फेयर है उसमें बहुत कुछ अलग भी नजर आएगा, जिसमें कि गो फॉर लोकल जो है वो पहले हमने देखा था, लेकिन इस बार जो है उसको नई तरीके से भी पेश किया जा सकता है और साथ ही साथ बहुत सारे जो कैंप है उनकी संख्या को भी इस बार भारत मंडपम में एक बदलाव के साथ पेश किया जा रहा है। तो अपने दर्शकों को जल्द ही इस बार जो भारत मंडपम है उसमें लगने वाले ट्रेड फेयर की झलक दिखाएंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ नया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।